जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर एक बेलपत्र बाबा देव महादेव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ा, फिर पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ा, वो जो दूध लेकर आया उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक इंगली मात्र उतना ही दूध लेकर उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आने के लिए एक इंगली जो लग जाए और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करने का, क्योंकि दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है, सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी में ला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका जाता है, यहाँ चतुर लोग बहुत सारे खड़े होते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना, वो दूध की एक बूंद अगर आपने पांच शिवरात्रि कर लिया, पांच शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे बात।